मलिन बस्तियों के संरक्षण के लिए लाए गए अध्यादेश की सीमा को 3 वर्ष और आगे बढ़ाए जाने की खुशी में देहरादून में अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी का आभार व्यक्त किया गया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस दिवाली मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बस्ती वालों को बड़ी राहत दी है। भाजपा सरकार 3री बार बस्तियों को बचाने के लिए अध्यादेश लाई। गरीब व्यक्ति कैसे अपना घर बनाता है और जीवन यापन करता है, उस दर्द को वो भली भांति महसूस करते हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। अपने युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। पूरे प्रदेश के अंदर 543 से अधिक जो बस्तियां हैं ये उससे लाभान्वित होंगी। देहरादून में 129 बस्तियां हैं और आज कांग्रेस का सच्चाई भी लोगों के सामने आ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा 3री बार हम अध्यादेश ला रहे हैं। बस्तियों को अगर बचाने का काम किया है तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किया है और धामी जी ने जो ये ऐतिहासिक फैसला लिया है ये कांग्रेसियों के मुंह पर एक तमाचा है। और क्योंकि कांग्रेस हमेशा मरीन बस्ती की राजनीति करने की बात करती है, लेकिन मुझे कहते हुए गर्व होता है कि आज मरीन बस्ती का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है। अभी आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ वोट हमें मिले। इससे पहले नगर के चुनाव में हमारा वोट मिला, विधायक के चुनाव में इन लोगों का अपार समर्थन हमको मिला और हमेशा भारतीय जनता पार्टी इन बस्ती वासियों के साथ में है। और इसके लिए मैं धामी जी का एक बार अभिनंदन करता हूँ, पूरी कैबिनेट का वो करता हूँ कि ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया जिससे अगर ये अध्यादेश नहीं आता तो शायद इनकी दिवाली जो फीकी रह जाती। और ये दिवाली का एक तोहफा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है बस्ती वासियों को दिया है, इसके लिए उनका जितना भी आभार करा जाए उतना।